हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ऑटोकैड में हम लोग व्यू पोर्ट्स को रीनेम कैसे करते हैं। तो इसे करने के लिए हमारे पास टू वर्टिकल व्यू पोर्ट्स हैं, और मान लीजिए हमारे पास ये जो राइट वाला है इसे हमें रीनेम करना है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले तो आपने इस व्यू पोर्ट में स्विच करना है और फिर क्लिक करना है इस व्यू टैब में। इसके बाद इस मॉडल व्यू पोर्ट्स में आपने क्लिक करना है नेम्ड में, और इसके बाद आपके पास ये बॉक्स आएगा जहाँ पे आपने न्यू व्यू पोर्ट्स में क्लिक करना है, और जो भी रीनेम आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रखूँगा टू और क्लिक करूँगा ओके में। इसके बाद मैं ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करूँगा, और फिर से नेम्ड में क्लिक करने के बाद न्यू में जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा वन और ओके। अब आपका ये दोनों रीनेम हो चुका है। चेक करने के लिए रीनेम हुआ है या नहीं, बस क्लिक करना है नेम्ड पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम्ड व्यू पोर्ट में वन और टू। अभी करेंटली हम लोग वन पे स्विच्ड है, तो अगर आपने यहाँ पे टू में स्विच करना है, टू पे वर्क करना है, तो आप बस यहाँ पे टू सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे ओके में, तो आपका ये विंडो टू में स्विच हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से आप ऑटोकैड में रीनेम कर सकते हैं व्यू पोर्ट्स को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पर विज़िट करें। थैंक यू।